माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको आवाज कमजोर हो चुका है, इसीलिए जो आपके साथ में बैठते हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा। हमारी जनता रुपौली के 2020 में निर्दलीय से विधायक बना करके सदन भेजने का काम किया। आपने बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते हैं, आज अग्निवीर में जो उसकी बात नहीं करते हैं, आप बीमा भारती के बारे में टिप्पणी करने का काम करते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी है जो राइफल चमकाते हैं, जनता के बीच में बांटने का काम करते हैं। अभी हमारे नेता जी कलम पढ़ते हैं, वह क्या करते हैं, फिर नट बांटने का काम करते हैं। आप क्या जानते होते हैं, लेकिन बीमा भारती कभी डरी नहीं है और ना डरेगी, और डर के मुकाबला करने का काम करेंगे, चाहे जनता के लिए जान भी देना पड़ेगा तब भी देंगे। हम सभा को संचालन कर रहे हैं हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष आरजेडी, हमारे अभिभावक गार्जियन मिथिलेश दास जी, हमारे प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी जमशेद आलम जी, और इस सभा में आए हुए इस मंच पर हमारे धमधा के कर्मठ जुझारू, कर्मठ लोकप्रिय पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप यादव जी, और इस मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय अलोक बाबू, वीआईपी के अध्यक्ष आदरणीय मिथिलेश मुकेशन, और इस वीआईपी के इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे वरिष्ठ निसहा समाज से आते हमारे अभिभावक लोकप्रिय नेता आदरणीय हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय संजय यादव जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे लोकप्रिय युवा के धड़कन, और यहाँ पर पूरे देश का निगाह और पूरे बिहार का जिन्हों एक एक जनता के दिल में बसने वाले हमारे युवा के धड़कन आदरणीय हमारे भाई तेजस्वी यादव जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे तमाम महागठबंधन के विधायक कार्यकर्ता सभी साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी, आज जो यह परिस्थिति आई है, आज हमने न्याय के साथ खरा उतरने का काम किया। जो एक अति पिछड़ा के बेटी को जो सत्ता में रहने के बाद भी प्रताड़ित करने का काम किया, आज हमारे आदरणीय जो नेता है हमसे बात करने, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे पिता तुल है, और हमारे महागठबंधन के नेता ने मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बना करके पूर्णिया का जनता का अदालत में भेजने का काम किया था, लेकिन हमारे जो भी कम समय होने के नाते जो हमारा जो छाप था वह लालटेन छाप था, लेकिन हमने जहाँ तक जाना चाहिए नहीं जा पाए, और फिर पुनः हमारे नेता ने मुझे महागठबंधन के उम्मीदवार बना करके आपके बीच भेजने का काम किया। हमने लगातार 2020 से निर्दलीय से लेकर के अभी तक आपका सेवा करते आ रहे हैं, और हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो यहाँ पर जनसभा में जो मेरा ही नाम ले लेकर के उन्होंने ताना मारने का काम किया है, एक अति पिछड़ा के बेटी को जो प्रताड़ित करने का काम किया, अपमान करने का काम किया, उन्होंने मंच से कहा हमने बीमा भारती को बोलने सिखाया है, पढ़ने सिखाया है, हमने उसको
इस मंच से बताना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको आदाश कमजोर हो चुका है, इसीलिए जो आपके साथ में बैठते हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा, हमारी जनता रुपौली के 2000 ईस्वी में निर्दलीय से विधायक बना करके सदन भेजने का काम किया है, ना कि आपने हमको चूल्हा चौका से निकाल करके, घर से निकाल करके आज बोलने का जो मुझे सिखाया है, यह रुपौली के जनता ने सिखाया, आपने नहीं, आपने मुझे नहीं सिखाया है। जहाँ इस तरह का जो आप बयान भाषण देते हैं लोग को, इसीलिए रुपौली के जनता समझ चुकी है आप कितना, आपका आदाश कमजोर हो चुका है। आप तो विकास की बात नहीं करते हैं, आपने बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते हैं, आज अग्निवीर में जो उसकी बात नहीं करते हैं, आप बीमा भारती के बारे में टिप्पणी करने का काम करते हैं। इसीलिए हमारे युवा का नेता आदरणीय जो तेजस्वी यादव जी है, जिन्होंने 17 महीना में नहीं काम हुआ, वह 17 सालों में नहीं हुआ था, वह 17 महीना में 5,00,000 युवा को नौकरी देने का काम किया है। आज युवा का धड़कन आदरणीय तेजस्वी यादव जी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको 2025 में आपको देखने के लिए मिलेगा, रुपौली से ही इतिहास रचा जाएगा 10 तारीख को, और रिजल्ट जो है 13 तारीख को आपको देखने के लिए मिलेगा, और 2025 का यहीं से आह्वान होगा, और हमारे भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी को देखने का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने काम किया है, आपने तो एक पल अति पिछड़ा को सताने का काम करा है, अभी भी हमारे जनता जो आ रहे थे यहाँ के प्रशासन ने रोकने का काम किया, बैठाने का काम किया है, अभी भी उधर से इस सभा में नहीं आए हैं, कितना सताइएगा आपने, कितना पब्लिक को आप देख रहा है, पब्लिक समझ चुका है रुपौली के जनता ने, आप जगह जगह पर पुलिस लगा करके फील्ड में नहीं आने दे रहे हैं। आज हमारे जो व्यवसायी का हत्या हुआ, हमारे अध्यक्ष मंडल, हमारे पति प्रमुख जो अवस्था में थे, जैसा ही सुना कि यहाँ पर हत्या हुआ है, उसी अवस्था में जाकर के मार्केट बंद करने का काम किया है। आज 2020 से हम लगातार यहाँ जनता का सेवा करते आ रहे हैं, किसी व्यवसायी का हत्या नहीं हुआ था, किसी मरवाड़ी का, उसी अवस्था में जाकर के मार्केट बंद करने का काम किया है। आज 2020 से हम लगातार यहाँ जनता का सेवा करते आ रहे हैं, किसी व्यवसायी का हत्या नहीं हुआ था, किसी मरवाड़ी का हत्या नहीं हुआ था। आज जब से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो राइफल चमकाते हैं, जनता के बीच में बांटने का काम करते हैं, अभी हमारे नेता जी कलम पढ़ते हैं, वह क्या करते हैं, थिरनट बांटने का काम करते हैं। आप क्या चाहते हैं कि जनता को जो नौजवान है वह क्रिमिनल बने, यही संस्कार आपका है, आपने बरोकी करते हैं यहाँ पर और नाम फंसाने का काम करते हैं। आज हमारे 18 साल का बेटा को बेवजह जेल भेजाने का काम किए, फिर हमारे आदरणीय जो पति है उसको फंसाने का काम किए, मर्डर में हमारे बेटा को फंसाने का काम किए हैं। आपको इस बार जो तानाशाही की अब सरकार है, एक एक जनता ने जवाब देने का काम करेंगे। हमने तो जनता का सेवा करते आ रहे हैं, हमने आपके बीच आए हैं, हम आपके कितना भी दुख सुख हो, हमारे 18 साल का बेटा का भी हत्या हुआ, लेकिन सबको दुख भुला करके आपका सेवा करने में हम सब हर समय रहते हैं, सभी दुख को भुला करके आपके बीच रहने का काम करते हैं। इसीलिए मैं विशेष नहीं कहना चाहती हूँ, जिस तरह से उन्होंने प्रसार करने का काम कर रहा है, हमारे आदर जो पुलिस प्रशासन है एसपी साहब से भी आग्रह करेंगे, हमारे आरजेडी के कार्यकर्ता को आपने क्यों फोन करके आपने धमकाने का काम करते हैं, एसपी साहब आपसे भी हमारा आग्रह है कि विनम्र आग्रह है कि हमारे कार्यकर्ता को आप ना डिस्टर्ब करें, हमारे कार्यकर्ता को दहशत में आप फैला लाना चाहते हैं, लेकिन बीमा भारती कभी डरी नहीं है और ना डरेगी, और डर के मुकाबला करने का काम करेंगे, चाहे जनता के लिए जान भी देना पड़ेगा तब भी देंगे हम। इसीलिए सरकार में दबाव आकर के आपको उम्मीदवार को जिताने के लिए आप हमारे आदमी को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, इसीलिए आपको मैं मन से आग्रह करना चाहती हूँ, आप ऐसे
पता ही ना करे, आप हमारे जनता को रोकने का लाइसेंस छाप पर देने का काम करेंगे। हमारा छाप बीमा भारती का छाप लाइसेंस छाप है, और लाइसेंस हमारे जो छाप है लालटेन छाप है, दो नंबर पर लालटेन छाप है। जहां भी आप लालटेन छाप देखेंगे वहां बटन दबाने का काम करेंगे। हमारे जितने भी मुसलमान समाज से है उनसे भी आग्रह करेंगे, जो संविधान पर खतरा है, जो अपने हमारे भाई ने बोला था चुनाव में संविधान पर खतरा हो गया। आज जो बैसाखी पर सरकार चल रही है केंद्र में, आप देखे होंगे नीतीश कुमार जाए नहीं साथ देते कांग्रेस की सरकार बनती, अपनी सरकार बनती, लेकिन यहाँ डबल इंजन की सरकार है, तब भी कोई भी विकास नहीं हो रहा, कोई भी मुद्दा की बात नहीं होती है। इसीलिए हमारे यहाँ के जो सांसद हैं आदरणीय पप्पू यादव जी, उन्होंने मुझे समर्थन दिया है, उनको दुख के घड़ी में उनको मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आपने मुझे इस दुख घड़ी में आपने साथ देने का काम किया, दिल से उनको धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।